बस बस चेहरा इधर ही थोड़ा सा पीछे क्या मामला है आपके यहाँ, क्या हुआ है? 11:30 बजे रात में हमको मालूम हुआ कि लड़की रोते आए हैं उधर से, हमको जगाया, हमने जगा तो बोला कि नानी हम टॉयलेट करने जाएंगे, तो हम टाट लेकर के गए थे टॉयलेट लग कराने, तो टॉयलेट नहीं हो रहा था, तो बोला कि नानी हमारे खून गिर रहा है, टॉयलेट नहीं हो रहा है, तो हम टाट उठा के उसको मार के देखने लगा था खून गिर रहा है, तो भाई ये क्या हो गया, तो हमने आया वापस घर, घर आकर के हम गुप्ता को बताया, गुप्ता ने उठा तो गुप्ता से सब हम लोग देखने लगे थे कि बात क्या है, तब तो लड़की से हमने पूछे लगे कि तुम कहाँ गए थे, बोला कि नानी हमको कोई उठा के ले गया था, कहाँ कि जंगल में, किधर जंगल में, बोले जहाँ हम स्कूल जाते हैं नहीं मिसरुलिया वही लैंड के पास लेके गया था हमको, हमारी पैंट भी निकाल लिया, हमारा कच्ची निकाल लिया, लंबा टेल किया आदमी था पातर पातर, हाफ बुशर्ट चेकदार पहना हुआ था, काला पैंट पहना हुआ था, वो आदमी ने हमको परेशान किया, जब हम रोने लगा तो छोड़ के हमको भाग गया, तो हम वहाँ से लौट आए आकर के नानी को जगाए। आपने FIR दर्ज कराया? अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो लड़की के पीछे हम लोग परेशान। लड़की कहाँ है? लड़की किया है लखनऊ। पुलिस में तहरीर नहीं दिया? तहरीर पुलिस में क्या देंगे, पुलिस सब साथे लेके गया है लखनऊ। पुलिस साथ में लेके गई है? हाँ पुलिस साथ में लेके गया है, लड़की पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, हम पुलिस पर लेके गया है। आपकी वो कौन थी? हमारी नाती थी, लड़की की लड़की। सर क्या मामला है आज यहाँ पे, कोई बलात्कार का मामला है? कोतवाली नगर क्षेत्र में एक दुष्कर्म की सूचना, 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली नगर में 376 IPC के अंतर्गत हम लोग पंजीकृत करके उसकी विवेचना की जा रही है, और जो अभियुक्त है उसकी छानबीन करने के लिए टीमें हमारी सक्रिय है, CCTV फुटेज में छानबीन दिया जा रहा है, और वो बच्ची को महिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया था, इसको लखनऊ जिला बच्ची की हालत में सुधार।